डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, देर रात दिल्ली में यूपी सदन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आज बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। महंगाई को लेकर कांग्रेस के सांसदों का पैदल मार्च, आज सोनिया राहुल समेत तमाम नेता मार्च में होंगे शामिल, सुबह 9:30 बजे विजय चौक से संसद भवन तक मार्च। सीएम योगी से मिले शिवपाल यादव, आज सीएम आवास पर करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात, बैठक में ना बुलाए जाने से अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं शिवपाल। शिवपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के ठीक बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह पहुंचे सीएम आवास, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर भी थे साथ, देर रात तक हुई मंत्रणा। देर रात 4 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, एडीजी पीडीसी उन्नाव बनाए गए नवनीत सिकेरा, रवि जोसेफ एडीजीपी सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश गिरफ्तार, महिलाओं के साथ स्नैचिंग और लूट को दी तथा अंजाम। मिर्जापुर में अपराधियों में योगी 2.0 का खौफ, हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचे करीब एक दर्जन अपराधी, अब अपराध नहीं करेंगे हम, सुधरने का दीजिए मौका कहकर किया सरेंडर। पेपर लीक मामले में बलिया डीआईएस ब्रजेश मिश्रा से चल रही है पूछताछ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ब्रजेश मिश्रा को ले जाने का एक्सक्लूसिव वीडियो, बलिया से अब तक 17 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार। यूपी में 13 अप्रैल को होगी अंग्रेजी की परीक्षा, 24 जिलों में 13 अप्रैल सुबह 8 बजे होगी परीक्षा, पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू, आज शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तानी संसद में बहस होगी शुरू। पाकिस्तान में सियासी संग्राम के बीच इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता फैजल बाबड़ा ने बड़ा बयान दिया, कहा पीएम इमरान खान की जान को खतरा, साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश। रूस यूक्रेन युद्ध का 36वां दिन, आज यूक्रेन के शहर शहर रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर मां तबाही के निशान, वादे के बावजूद यूक्रेन में कम नहीं हुई रूसी हमले, अमेरिका ने कहा रूसी सेना नए स्थानों पर कर रही तैनाती। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर लगी आग, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।